अगर आप एएमसी भर्ती के अलावा एआरओ की भर्ती देखने जाओगे तो वहां पर ये आपको जरूर मांगेंगे। यहाँ पर भी जो आपने अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट में फोटो लगाया था, फैमिली फोटो, वही फोटो यहाँ पर भी आपको सेम साइज का लगवाना है और नोटरी करवाना है। सबका एक कंबाइंड फोटो यहाँ पर लगेगा, 5 से 3.5 इंच उसका साइज दे के रखा हुआ है। तो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है उन बच्चों के लिए जिन्होंने एएमसी में ईमेल भेजा था रिलेशन की भर्ती के लिए और जिनका ईमेल का रिप्लाई आ चुका है, उनकी भर्ती नवंबर में होने वाली है। 4, 5, 6 नवंबर को आपकी रैली होगी, आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी। तो भर्ती प्रक्रिया के दौरान आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, वो जिन्होंने बना लिए हैं अच्छी बात है, एक बार क्रॉस चेक कर लो और सारे डॉक्यूमेंट को अपने झोले में रख लो, अभी टाइम नहीं है। और जिनके नहीं बने हैं, थोड़ा सा टाइम है, तो अगर नहीं है, कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो क्रॉस चेक कर लो और उनको अपने झोले में रख लो भर्ती में जाने से पहले। चलिए, तो एएमसी की जो भर्ती है, रिलेशन की भर्ती, जिसकी एग्जाम आपकी मार्च में होने वाली है, ठीक है, उसके लिए आप अपने यहाँ पर रैली जो है नवंबर में होगी, एग्जाम आपकी मार्च में होगी, रैली की बात करूँ तो रैली आपकी नवंबर में होगी 4, 5, 6 को। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं वो हम देख लेते हैं। तो हर एक डॉक्यूमेंट की आपको 2 कॉपी लेकर जानी है, प्लस ओरिजिनल। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, जितने भी मैं बता रही हूँ वो सारे देख लेना, ओरिजिनल लेकर जाना है। साथ ही साथ उनकी 2 कॉपी आपको लेकर जाना है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड अगर ना करना चाहो या किसी प्रिंसिपल या कॉलेज के प्रिंसिपल से अगर आप करवाना चाहो तो भी अच्छी बात है, और अगर नहीं है, नहीं करवा पा रहे हो, तो खुद से भी अटेस्टेड कर सकते हैं 2 कॉपी, और मेरे ख्याल से 2 कॉपी से 1-2 कॉपी ज़्यादा ही करवा लेना, 3-4 सेट बना लेना ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा आपको 2 एनवलप लेकर जाना है। एनवलप में आपको 27 रुपए के 2 स्टाम्प लगवाने, 2 एनवलप लेके जाना है, लिफाफे जिन्हें हम कहते हैं। लिफाफे क्यों लेकर जाना है, लिफाफों पर आपका एड्रेस होना चाहिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक एड्रेस, जहां से कम्युनिकेशन आप लोगों से हो सके, ऐसा एड्रेस आपको देना है। ऐसा नहीं कि जहां पर आपकी जानकारी पहुंच ही ना पाए, तो ऐसा एड्रेस आपको यहाँ पर देना है, और साथ ही साथ 2 स्टैम्प यहाँ पर लगाना है, 27 रुपए के पोस्ट ऑफिस में सबको मिल जाते हैं, और ये स्टेशनरी से लिफाफे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखना है आपको, और स्टैम्प 27 रुपए के यहाँ पर आपको चिपकाना है, जो पोस्ट ऑफिस से मिल जाते हैं। और नेटिविटी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, धर्म प्रमाण पत्र, वैसे तो अभी एएमसी में आपको जरूरत नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप एएमसी भर्ती के अलावा एआरओ की भर्ती देखने जाओगे तो वहां पर ये आपको जरूर मांगेंगे। तो आपके पास टाइम है, अगर जिनके पास नहीं हो ये वाले सर्टिफिकेट तो बना लें, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये आगे वाली प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रियाओं में एआरओ वगैरह की जो भर्ती आप देखोगे वहां पर आपको काम आने वाले, तो इनको बना लेना। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ईमेल का प्रिंट आउट, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। जिनको एक्सेप्टेंस ईमेल आ चुका है उसकी प्रिंट आउट बिल्कुल गुड क्वालिटी के पेपर में आपको निकालनी है, ये ही होगा तो ही आपको गेट में एंट्री मिलेगी भर्ती के दौरान, नहीं तो नहीं दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके प्रिंट आउट आपको निकाल के लेकर जाना है। फोटोग्राफ की अगर मैं बात करूं तो 20 कॉपी आपको फोटोग्राफ की मांगी है, 20 फोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट कलर का होना चाहिए और 3 महीने से अधिक पुराने नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम इंडेमिनिटी बॉन्ड की, जिसको कहीं और बनवाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को बनाना है, आपके साइन होंगे, आपके पिताजी के साइन होंगे। ये बॉन्ड, ये फॉर्म क्यों भराया जाता है, क्यों बनवाया जाता है, ताकि रैली के दौरान आपको कुछ इंजरी हो जाए, आपका कुछ सामान खो जाए, तो उसके लिए जो है आर्मी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए वो पहले से ही ये वाला फॉर्म भरवा लेते हैं, ये बॉन्ड बनवा लेते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो एजुकेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट में जितने भी सर्टिफिकेट है आपकी 10th 12th की मार्कशीट हो गए, अगर आपने कॉलेज में पढ़ाई करी है या फिर ITI डिप्लोमा यूनिवर्सिटी लेवल तक कुछ भी पढ़ाई करी है, सभी के जो है सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल और 2-2 कॉपी भी। इसके अलावा एफिडेविट, एफिडेविट आपको बनवाना है 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, इसका जो फॉर्मेट है आपको नोटिफिकेशन जो आया है उसमें दे कर रखा है,
तो एज इट इज आपको तहसील में या जिला में जाकर 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपको टाइप करवाना है और नोटरी करवाना है एफिडेविट की। रिलेशन सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, वैसे आपने ईमेल भेजा है तो आपके पास बना होगा ही, तो इसको भी आपको लेकर जाना है ओरिजिनल के साथ साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, ये भी आपने ईमेल भेजा होगा तो उस टाइम पर इसको भी भेजा था, क्योंकि ईमेल में भी डॉक्यूमेंट उन्होंने सेंड करवाए थे, तो ये भी आपके पास ऑलरेडी बना होगा, तो इसका फॉर्मेट भी आपको नोटिफिकेशन जो आया है उसमें दिया है, तो इसको भी आपको लेकर जाना है। नेक्स्ट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सरपंच के द्वारा बनाया गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है सरपंच के द्वारा, गांव में रहते हैं तो शहर में रहते हैं तो कहां पर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बनेगा, और इसमें आपका फोटो लगेगा और साथ ही साथ में ग्रुप फोटो, मतलब आपके पिताजी माताजी आप या आपके भाई बहन जो भी हो सबका एक कंबाइन फोटो यहाँ पर लगेगा। 5 से 3.5 इंच उसका साइज दे के रखा हुआ है, तो साइज देख लेना ध्यान से, इतने साइज का फोटो यहाँ पर आपको चिपकाना है और यहाँ पर सरपंच के साइन होंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट में। इसके अलावा एफिडेविट बाय स्पॉन्सर, ये भी 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपके नोटिफिकेशन में दिया है, एज इट इज आपको टाइप करवाना है, और यहाँ पर भी जो आपने अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट में फोटो लगाया था फैमिली फोटो, वही फोटो यहाँ पर भी आपको सेम साइज का लगवाना है और नोटरी करवाना है। वैसे तो जो पिछली बार जिन बच्चों ने भर्ती देखी थी उन्होंने ये बताया है कि पिछली बार ये मांगा नहीं था, लेकिन बताया है, दिया है नोटिफिकेशन में, इसकी जिक्र उन्होंने किया है, तो बनवा ले। पिछली बार नहीं मांगा है तो ऐसा जरूरी नहीं कि इस बार भी नहीं मांगे, तो इसको बनवा कर रखे, मांगे तो बिल्कुल आपको देना है। चलिए आगे बात करते हैं हम स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपके आपने लास्ट में जहां पर भी पढ़ाई करी स्कूल से करी हो तो स्कूल से सर्टिफिकेट बनेगा ये, और कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी हो तो वहां से बनेगा जहां पर आपने लास्ट अपनी एजुकेशन खत्म करी है, तो ये स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है। चलिए आगे बात करें पुलिस प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये थाने में पुलिस स्टेशन से ये बनता है। आगे हम बात करें तो अनमैरिड सर्टिफिकेट, जो अनमैरिड सर्टिफिकेट है ये सिर्फ उन्हीं को बनाना है जिनकी एज 21 साल से कम है, जो अनमैरिड है उनको बनाना है 21 साल से, ध्यान रखिएगा जिनकी उम्र 21 साल से कम है उनको ही ये बनाना है। सरपंच के द्वारा अगर गांव में रहते तो बन जाएगा, या वार्ड मेंबर या प्रधान के द्वारा ये बनता है, साइन इस पर किए जाते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं डिस्चार्ज बुक और पेंशन बुक, तो डिस्चार्ज बुक की बात करें तो जो एक्स सर्विस मैन है उनको डिस्चार्ज बुक लगती है, और विडो कैजुअल्टी या फिर स्पेशल फैमिली पेंशन वाले हो तो उन्हें पेंशन बुक ओरिजिनल भी लेकर जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों का जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए, खुद का सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए, नहीं है तो खुलवा लेना कोई दिक्कत नहीं है। पैन कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए, जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वो बनवा लेना बाद में, लेकिन आधार कार्ड होना कंपलसरी है, आधार कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल प्लस कॉपी आपको लेकर जाना है। आगे बात करें तो स्पोर्ट सर्टिफिकेट, स्पोर्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो बिल्कुल लेकर जाइएगा, आपको उसके बोनस मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और जो भी आपके स्पोर्ट्स की लिस्ट दे के रखिए नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, चेकआउट कर लेना, अगर वो फुलफिल कर रही है तो सर्टिफिकेट आपका काम कर जाएगा और आपको बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एनसीसी के सर्टिफिकेट, जिनके पास भी है वो भी लेकर जाएं ओरिजिनल प्लस कॉपी, ए वालों को 5 बोनस मार्क्स मिलते हैं, बी वालों को 10, सी वालों को 15, और अगर सी सर्टिफिकेट के साथ आपने आरडी परेड अटेंड करी है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा सब ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर एक जगह आपको देखने को मिल रहे होंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और चेकआउट कर लो आपके हैं या नहीं है, नहीं है तो बनवा लेना और अपना झोला रेडी कर लो भर्ती में जाने से पहले। एएमसी की रैली भर्ती देखने जा रहे हैं नवंबर में, वो सोच रहे हैं कि हम बैच ज्वाइन करें या फिर हम बहुत अच्छे से हमारी एग्जाम की तैयारी, क्योंकि फिजिकल हो जाने के बाद एग्जाम निकालना बहुत जरूरी हो जाता है, हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी सारी हमारी मेहनत लग जाती है फिजिकल निकालने में, तो एग्जाम निकलना भी बहुत जरूरी यहाँ पर हो जाता है, तो अगर आप
बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पर बैच चलाई जा रही है। फाउंडेशन बैच नर्सिंग असिस्टेंट का आपको मिल जाएगा बच्चों। बैच में आपको अच्छे से कंसेप्ट वाइज तैयारी कराई जा रही है, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है AMC499। 499 में आपको ये बैच मिल रहा है, जिसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटी दी जा रही है। आपको बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइव क्लासेस चल रही है, जो क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप कंप्लीट कर सकते हैं। थ्योरी पढ़ाई जा रही है, MCQs भी आपको मिल रहे हैं मिनी मॉक टेस्ट के फॉर्म में चैप्टर पढ़ाने के बाद में। सो कंप्लीट नर्सिंग असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज आपको अच्छे लेवल की एनालिसिस करके बनाई गई प्रोवाइड की जाती है। हर हफ्ते एग्जाम तक आपको कंप्लीट 100 टेस्ट सीरीज मिल जाएगी नर्सिंग असिस्टेंट की। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जिसे हम मिनी मॉक टेस्ट कहते हैं, हर एक चैप्टर पढ़ने के बाद भी आपको टेस्ट सीरीज, मतलब 100 तो है ही है 50 प्रश्न वाली, साथ ही साथ चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। वैलिडिटी आपकी 30 मई तक रहने वाली है। आप AMC का एग्जाम भी दे सकते हो और अगर आप ARO की भर्ती भी देखना चाहते हैं तो भी इस बैच के माध्यम से दोनों तरफ से आप फायदा उठा सकते हो। 30 मई तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। बायलिंगुअल बैच है, जो बच्चे इंटरेस्टेड है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी एग्जाम की तैयारी को बिल्कुल परफेक्ट करना चाहते हैं, वो बैच को बिल्कुल रिजनेबल प्राइस 499 में, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा AMC499 टाइप कर दीजिएगा पे करने से पहले, आपको रिजनेबल प्राइस में ये बैच प्रोवाइड हो जाएगी। इसके अलावा बैच से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी करना हो तो हमारा डिस्प्ले हो रहा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप क्वेरी कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को रैली के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।